बन चरना, दूजे बन चरना, एक बन चरना, दूजे बन चरना, तीजे जिनकी ताने अनहद के पार पहुंचती हैं, जिनके सुर निर्गुण को भी सगुण कर देते हैं, जिनकी गायकी में कबीर का दर्शन भी है और मालवा की लोक धुने भी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऐसे महान गायक हुए पंडित कुमार गंधर्व। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश और आज मैं आपको सुनाऊंगा पंडित कुमार गंधर्व की कहानी। पंडित कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। बचपन से ही उनमें संगीत के सुर फूटने लगे थे। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में स्टेज पर अपना पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इसके बाद पंडित कुमार गंधर्व ने जाने माने संगीतज्ञ बी आर देवधर से संगीत की तालीम लेनी शुरू की। सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही धीने 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 धीने, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी। गुरु के आशीर्वाद से पंडित कुमार गंधर्व जल्द ही सिद्ध गायकों में शुमार हो गए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बहुत कम उम्र में उनकी तबीयत खराब हुई और ऐसी खराब हुई कि डॉक्टरों ने उन्हें गाने से मना कर दिया। काफी लंबे समय तक पंडित जी शास्त्रीय गायन से दूर रहे, हालांकि बाद में उन्होंने वापसी भी की। पंडित जी की कला और व्यक्तित्व को समझने के लिए उनका ये आत्मकथ्य जानना जरूरी है, जो बताता है कि पंडित जी का संगीत जोखिम और संघर्ष का संगीत था। सब कुछ मैं कैसे जान पाऊंगा, कितना ही ध्यान लगाया, कितना ही ज्ञान पाया, संगीत के अगम्य रूप की थाह मैं अब तक नहीं ले पाया हूं। संगीत अमूर्त है, उसके रागों और स्वरों का बोध हो पाना बड़ा दुसाध्य है। मैंने बेशक विकट तालों की लयों की राह पकड़कर खोजने की कोशिश की है, अब तक न तो मैं उसकी थाह ले पाया हूं, न ही छोर तक पहुंच सका हूं। निर्भय निर्गुण पंडित कुमार गंधर्व की गायकी की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो घरानों में बंद कर नहीं गाते थे। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत में घरानों का जो महत्व है वो आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन पंडित कुमार गंधर्व ने डंके की चोट पर कहा कि वे घरानों की कुलीगिरी नहीं करेंगे। और कबीर को यूं तो बहुत सारे गायकों ने अपने अपने अंदाज में गाया है, लेकिन जिस अंदाज में पंडित कुमार गंधर्व ने कबीर को गाया है वैसा शायद ही कोई गायक गा पाएगा। संगीत के जानकारों में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पंडित कुमार गंधर्व की शास्त्रीय गायकी को उतना महत्व नहीं देता, लेकिन उनके निर्गुण भजनों को, उनकी निर्गुण गायकी को बहुत ही सम्मान की नजर से देखता है। प्रभास जोशी जी लिखते हैं, कुमार गंधर्व सिर्फ गायक नहीं है, कन्नड़ जिनकी मातृभाषा है और मराठी दूसरी भाषा, उन कुमार जी से आप हिंदी की भक्ति कविता पर चाहे जैसे बात कर लीजिए, और कबीर पर तो उनका अधिकार हजारी प्रसाद द्विवेदी से कम नहीं है। कबीर को गायकर जैसी व्याख्या कुमार गंधर्व ने की है वैसा तो खैर कोई कर ही नहीं सकता। दूसरे कई शास्त्रीय गायकों की तुलना में कुमार गंधर्व ऊंचे बैठते हैं, क्योंकि वे कुलीगिरी नहीं करते। उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन
दर्शन का मेला। 12 जनवरी 1992, महज 67 साल की उम्र में पंडित कुमार गंधर्व ने आखिरी सांस ले ली। शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा। शास्त्रीय संगीत में पंडित कुमार गंधर्व की गायकी को आगे बढ़ा रहे हैं उनकी बेटी कलापिनी कोमकली, उनके पुत्र मुकुल शिवपुत्र और उनके पौत्र भुवनेश कोमकली। एक बन चरना दूजे बन चरना, एक बन चरना दूजे बन चरना, तीजे बन पग नहीं धरना। जिनकी ताने अनहद के पार पहुंचती हैं, जिनके सुर निर्गुण को भी सगुण कर देते हैं, जिनकी गायकी में कबीर का दर्शन भी है और मालवा की लोक धुनें भी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऐसे महान गायक हुए पंडित कुमार गंधर्व। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश और आज मैं आपको सुनाऊंगा पंडित कुमार गंधर्व की कहानी। पंडित कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। बचपन से ही उनमें संगीत के सुर फूटने लगे थे। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में स्टेज पर अपना पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इसके बाद पंडित कुमार गंधर्व ने जाने माने संगीतज्ञ बी आर देवधर से संगीत की तालीम लेनी शुरू की। सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीने 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 झीने, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी। गुरु के आशीर्वाद से पंडित कुमार गंधर्व जल्द ही सिद्ध गायकों में शुमार हो गए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बहुत कम उम्र में उनकी तबीयत खराब हुई और ऐसी खराब हुई कि डॉक्टरों ने उन्हें गाने से मना कर दिया। काफी लंबे समय तक पंडित जी शास्त्रीय गायन से दूर रहे, हालांकि बाद में उन्होंने वापसी भी की। पंडित जी की कला और व्यक्तित्व को समझने के लिए उनका ये आत्मकथ्य जानना जरूरी है, जो बताता है कि पंडित जी का संगीत जोखिम और संघर्ष का संगीत था। सब कुछ मैं कैसे जान पाऊंगा, कितना ही ध्यान लगाया, कितना ही ज्ञान पाया, संगीत के अगम्य रूप की थाह मैं अब तक नहीं ले पाया हूं। संगीत अमूर्त है, उसके रागों और स्वरों का बोध हो पाना बड़ा दुसाध्य है। मैंने बेशक विकट तालों की लयों की राह पकड़कर खोजने की कोशिश की है, अब तक न तो मैं उसकी थाह ले पाया हूं, न ही छोर तक पहुंच सका हूं। निर्भय निर्गुण पंडित कुमार गंधर्व की गायकी की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो घरानों में बंद कर नहीं गाते थे। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत में घरानों का जो महत्व है वो आप बखूबी जानते होंगे। लेकिन पंडित कुमार गंधर्व ने डंके की चोट पर कहा कि वे घरानों की कुलीगिरी नहीं करेंगे।
और कबीर को यूं तो बहुत सारे गायकों ने अपने अपने अंदाज में गाया है, लेकिन जिस अंदाज में पंडित कुमार गंधर्व ने कबीर को गाया है वैसा शायद ही कोई गायक गा पाएगा। संगीत के जानकारों में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पंडित कुमार गंधर्व की शास्त्रीय गायकी को उतना महत्व नहीं देता, लेकिन उनके निर्गुण भजनों को, उनकी निर्गुण गायकी को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखता है। प्रभाष जोशी जी लिखते हैं, कुमार गंधर्व सिर्फ गायक नहीं है, कन्नड़ जिनकी मातृभाषा है और मराठी दूसरी भाषा, उन कुमार जी से आप हिंदी की भक्ति कविता पर चाहे जैसे बात कर लीजिए, और कबीर पर तो उनका अधिकार हजारी प्रसाद द्विवेदी से कम नहीं है। कबीर को गायकर जैसी व्याख्या कुमार गंधर्व ने की है वैसा तो खैर कोई कर ही नहीं सकता। दूसरे कई शास्त्रीय गायकों की तुलना में कुमार गंधर्व ऊंचे बैठते हैं क्योंकि वे कुलीगिरी नहीं करते। उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। 12 जनवरी 1992, महज 67 साल की उम्र में पंडित कुमार गंधर्व ने आखिरी सांस ले ली। शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा। शास्त्रीय संगीत में पंडित कुमार गंधर्व की गायकी को आगे बढ़ा रहे हैं उनकी बेटी कलापिनी कोमकली, उनके पुत्र मुकुल शिवपुत्र और उनके पौत्र भुवनेश कोमकली। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप हमारे साथ ट्विटर और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं।